कई बार मैं सोचती हूँ कि जब भी मैं बिग बॉस के वीकेंड का वार देखती हूँ या इस वीकेंड के वार पर कोई टास्क देती हूँ, ऐसा लगता है कि अर्शी खान और सोनाली फोगाट और राहुल वैद्य, इनके पास में कोई और ऐसा है ही नहीं जिसे ये टारगेट कर सके। नमस्कार, मैं हूँ उदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। दरअसल बिग बॉस के घर में एक बार फिर से रुबीना दलाय को किया जा रहा है टारगेट। सलमान खान के सामने ही चीजों को लेकर किया जा रहा है टारगेट। मैंने आपको अपनी पास वीडियो में बताया है कि घर के अंदर करने जाने वाला है एक टास्क। इस टास्क में खिलाए जाएंगे जिल्लत के लड्डू, जो कि कहती है यहाँ पर अर्शी खान तीखे लड्डू खिलाए जाने वाले हैं यहाँ पर। यहाँ पर जिस तरीके से सोनाली फोगाट को ये लगता है कि रुबीना दिलायत ने उनकी और निकिता अंबोली की जो लड़ाई हुई थी, झगड़ा था, उसमें उन्होंने उकसाया है उन्हें, और उकसाने की वजह से ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया। नहीं तो शायद से उन्हें माफी नहीं मांगनी पड़ती, नहीं तो शायद से वो शर्मिंदा नहीं होती। सेम चीज अर्शी खान जो है वो कहती है कि विकास गुप्ता के साथ में मिलकर कैमरा इन्होंने छिपाया है और इल्जाम मेरे ऊपर डाला है, तो ये भी मेरे लिए एक धोखा है और इस धोखे के लिए मैं इन्हें खिलाऊंगी जिल्लत के लड्डू। नहीं, जिल्लत के नहीं है, वो तीखे लड्डू है। यहाँ पर देखो, ऐसा देखिए ऑप्शन कुछ और है नहीं टारगेट करने के लिए। राहुल वैद्य के साथ में क्यों बना के चलनी, या तो राहुल वैद्य के साथ मिलकर टारगेट करना है। अब कई बार तो मुझे ऐसा सच में लगता है कि मेकर सच में चाहते हैं कि अर्शी खान जो है वो सिर्फ रुबीना को ही टारगेट करे। आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे, राय कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको हर वक्त की खबर समय पर कैसे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए बॉलीवुड हेडलाइंस के साथ।